अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी, तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो पेना है वो अपनी साइड पे चली जाती है, जो उसका ड्रामा सेक्शन जो होता है वो उस सेक्शन में चली जाती है, और अपना अपना जो है वो जैसे जैसे जिन लोगों को सिलेक्ट किया है वो सारी चीज़ें जो है वो देखने लगती है। इधर शनाया अपनी साइड पे चली जाती है क्योंकि उसका डांस का जो था वो। इधर जो ईशा है वो थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है और पढ़ाई उसे जो है हो नहीं पा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और मन ही मन बोलती कि यार पता नहीं इस आरवी ने मुझे कहाँ फंसा दिया है, यार क्या ज़रूरत थी मुझे यहाँ पे फंसाने के लिए। एक तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में अंदर नहीं हो रही है यार, कितना तो कोशिश कर रही हूँ पर समझ ही नहीं आ रही, और मुझे फंसा के ये पता नहीं कहाँ चली गई। तो वापस एकदम से समीर आता है, तो वो देखती है जो ईशा है वो अपनी सर पकड़ के जो है बुक की तरफ बार बार देख रही थी। तो एकदम से समीर बोलता है कि क्या हुआ, डू यू नीड एनी हेल्प। तो एकदम से जो ईशा बोलती कि यार क्या हेल्प लूँ यार, दिमाग ऐसे ही ख़राब है, ये पता नहीं आरू को क्या हुआ, लड़की मुझे यहाँ पे फंसा के पता नहीं कहाँ गायब हो गई, दिख भी नहीं रही। तभी एकदम से समीर बोलते कि अरे वो गायब नहीं हुई, उसका वो प्रैक्टिस है ना, वो अपनी प्रैक्टिस कर रही है, क्या चाहिए तुम्हें, मुझे तो ज़रा मैं देखता हूँ। तो बोलती कि अरे क्या देखोगे तुम, एक तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। तो बोलते अच्छा ठीक है ना, मैं देखता हूँ ना। तो बोलती है अच्छा ठीक है देखो। तो जो है नोट वगैरह जो है वो एकदम से जो पास करती है जो है समी को। तो समी जब एकदम से नोट लेती है वो थोड़ी देर जो है वो नोट देखता है, वो समझने की कोशिश तो करता है लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। तो एकदम से वो अपने सर थोड़ा सा बाल खुजा के बोलती कि यार वो यार देखो मुझे ना ठीक से समझ नहीं आ रहा। तभी एकदम से जो ईशा है वो बोलती कि हाँ पता ही था। तो जो है वो नोट ले लेती है। तभी एकदम से जो है अवनीत भी आता है और एकदम से समय के शोल्डर पर टैप करता है और बोलते कि क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर। तो एकदम से समीर पीछे पड़ता है तो देखते अरे यार तू। तो बोलते कि हाँ क्या कर रहे हो। तो बोलते कि अरे वो ईशा को थोड़ी सी हेल्प चाहिए था और मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एकदम से जो अवनीत है वो बोलते कि अच्छा क्या चीज़ है। तो बोलती है ये नोट वो जीके की क्वेश्चन वगैरह। तो बोलती कि अच्छा दो ना मुझे ज़रा मैं भी देखूँ। तो जो है ईशा बड़े जो है मिस्टीरियस तरीके से उसको देखता है। तो एकदम से अवनीत बोलते हैं कि क्या ऐसे क्यों देख रही हो, दो मैं देखता हूँ। तो बोलती कि अच्छा तुम्हें आता है। तो बोलती कि देखने तो दो। तो बोलती कि ठीक है लो तुम भी देख लो। तो जो है वो देती है लेकिन इधर अवनीत भी कुछ समझ नहीं पाता। तो बोलती कि यार देखो मुझे भी ज़रा इस बारे में नहीं पता। तो एकदम से जो शनाया है वो जो ईशा है वो एकदम से वो नोट लेती है और बोलती कि पता ही था। ज़रा एक बात बताओ तुम दोनों करते क्या हो, मुझे ज़रा ये क्लियर करो पहले, करते क्या हो, पढ़ाई नहीं करते हो क्या तुम दोनों, हमेशा घूमते इधर उधर भटकते रहते हो। यार कुछ महीने बाद हमारा जो है सेकेंड ईयर ख़त्म होगा, थर्ड ईयर शुरू होगा, तुम लोग क्या पास करोगे या फिर सेकेंड ईयर में ही रह जाओगे क्या। तभी एकदम से समीर बोलते कि यार ऐसे बेइज्जती तो मत करो यार। तो एकदम से ईशा बोलते कि तो क्या करूँ, कोई ऑप्शन है यार, तुम दोनों ना नमूने हो बिल्कुल, यार थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लिया करो यार, कम से कम एक दो घंटे ही सही पढ़ाई तो ध्यान दो, वरना इस साल भी ना यही सेकेंड ईयर में बैठ के रह जाओगे। तब नीर बोलती कि यार प्लीज़ यार ऐसे तो मत बोलो यार, हम करते हैं ना पढ़ाई। तभी एकदम से ईशा बोलती कि कब करते हो, पूरे कॉलेज में जब तक कॉलेज में हो तब तक आरू के पीछे घूमते रहते हो या फिर किसी और के या फिर ऐवे ही मजाक मस्ती में, मैंने तुम दोनों को कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, और जब एग्ज़ाम पास आता है तो भागते हो आरू के पास कि आरू ये नोट कर दे वो नोट कर दे, ये गलत बात है, थोड़ी खुद के लिए भी पढ़ाई कर लो यार। तो एकदम से अवनीत बोले कि यार कर लेंगे, अब इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान तो मत दो,
तो बोलती कि हाँ अब जब सीधे पॉइंट पे बात करूँ तो तुम्हें ज्ञान लगता है, छोड़ो यार तुम दोनों से बात करना ही बेकार है। तो एकदम से वो उधर से उठती है और जाने लगती है, लेकिन अचानक सामने जो है शनाया आती है और उसकी फेस में तो अलग ही ग्लो थी, अलग ही स्माइल थी। तो एकदम से जो है ईशा की सामने आ जाती है और बोलती कि क्या हुआ मैडम, कहाँ चली आप? तो ईशा एक बार उसे तीखी नज़रों से देखते और बोलती कि अब तुम्हें क्या हुआ है? तो शनाया बोलती कि यार मुझे क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो तुम? तो बोलती कि अपने ये दोनों, ये जो है तुम लोगों का निकम्मे दोस्त। तो एकदम से शनाया पीछे पलटती है तो देखती है, शनाया जो देखती है समीर और अवनीत खड़ा है। तो शनाया बोलती कि एक मिनट, ये दोनों निकम्मे तो है लेकिन मेरी दोस्त थोड़ी ना है। तभी जो है अवनीत घूर के देखते बोलती कि तेरा क्या मतलब है, क्या हम तेरे दोस्त नहीं है? तो बोलते कि दोस्त है पर मेरे दोस्त निकम्मे यार, समझना है ना। तभी एकदम से जो है समीर बोलते कि तू ना कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, पहले तो ये मैडम इतनी सुना दी अब तू भी। तो बोलती कि क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ ईशा? तो एकदम ईशा बोलती कि यार दिमाग मेरा ना वैसे ही ख़राब है, एक तो आरू मुझे दिखाई नहीं दे रही है जब से आई है कॉलेज, दूसरी और इसने मुझे इस जीके की साइड पे फंसा दिया यार, ये जनरल क्वेश्चन वगैरह मेरी दिमाग फटा जा रहा है, मेरी कुछ कुछ चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही, ये अचानक से पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मेरे सर पे मारेंगे और मुझे जवाब देनी होगी, पर जवाब जब मुझे पता ही नहीं तो मैं बोलूँगी कैसे? तभी एकदम से शनाया बोलती कि रिलैक्स यार, तुम तो हाइपर हो रही हो। तो एकदम से ईशा बोलती कि तो हाइपर होंगी ना, ऑलरेडी 2 दिन निकल गए हैं यार, और बचा कितने दिन है, 5 दिन, 5 दिन के अंदर तो 5वां वाला जो दिन है उसमें तो ऑलरेडी कंपटीशन है, तो बचा 4 दिन, इन 4 दिन में क्या खाक कर लेंगे हम? तो एकदम से शनाया बोलती कि रिलैक्स बाबू रिलैक्स, इतनी हाइपर होने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम ये चीज़ आरू के पास जाओ ना, आरू से पूछो वो समझा देगी। तो बोलती कि अच्छा है कहाँ वो, मैडम ज़रा ये बताओ मुझे तो, तब जाके मैं उसको ढूंढूँ। तो बोलती कि मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा उसको। तो बोलती कि हाँ यही बात, जब मैं खुद नहीं देखी उसको तो तुम कैसे देखोगी? तो एकदम से शनाया बोलती कि कोई बात नहीं, चलो हम ग्राउंड के तरफ जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं शायद प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे। तो ये लोग जो है जाते हैं, समीर अवनीत भी इन दोनों के पीछे पीछे जाते हैं। तो जब ये लोग ग्राउंड के साइड पे जाते हैं तो आरू तो प्रैक्टिस कर रही थी और कुछ लोगों को करवा भी रही थी। तो जब वो प्रैक्टिस करवा रही थी तो वहाँ पे ना एक लड़की थी, लड़की का नाम अनाया है, वो भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, तो वो भी प्रैक्टिस कर रही थी आरू के साथ। तो प्रैक्टिस करते करते एकदम से उसकी पैर जो है इनबैलेंस हो जाती है, इनबैलेंस होकर वो एकदम से गिरती है। जो आरू जो है वो जल्दी जल्दी जाती है, उस लड़की को ठीक से उठाती है और एकदम से जब वो देखती है तो देखती है उसकी जो कपड़े में थोड़ा सा वो डस्ट वगैरह जो है वो लग चुके थे, तो वो अपने हाथों से वो क्लीन करती है। तो क्लीन करते करते थोड़ी सी करीब भी जाती है, ऐसा होता है ना यार, तो थोड़ी सी करीब जो है वो जाके जो है वो क्लीन कर रही थी। इधर ये सीन देखते हुए आते हैं हमारी ईशा शनाया के साथ और उन दोनों के पीछे समीर और अवनीत। जब ईशा ये सीन देखती है तो भाई साहब उसकी फेस में वो जो गुस्सा है, शनाया तो एक बार आरू की तरफ देखती है तो दूसरी बार जो है वो ईशा की तरफ देखती है और मन ही मन में बोलती कि लग गई। इधर पीछे से जो समीर है वो बोलती कि आज तो बेटा आरू गया, समझो वाट लगने वाली है इसका। तभी एकदम समीर बोलती कि नहीं यार क्यों, वाट क्यों लगेगा यार, वो तो कैरिंग नेचर की है आरू, वो लड़की गिर गई तो उठाना बनता था यार, और ईशा समझदार है यार। तो एकदम से समीर बोलती कि समझदारी ये तेल लेने, तू आगे आगे देख होता है क्या, क्योंकि यार ठीक है मानता हूँ कि आरू कैरिंग नेचर की है, लेकिन तूने देखा किस तरह से वो उस लड़की की करीब गई? तो अवनीत एकदम से बोलता है कि यार तेरा दिमाग ख़राब है, तू ज़्यादा मत सोच, चल देखते हैं आगे। तो एकदम से जो ईशा है वो आरू के पास पहुँचती है और एकदम से बोलती कि आरवी
इतनी स्टीक वॉइस सुन के आरू एकदम से पीछे पलटती है। तो जब पीछे पलटती है तो देखती है ईशा को। ईशा की फेस पे इतनी गुस्सा देख के वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। वो मनी बोलती है कि ये इतनी गुस्से में क्यों है। तो ईशा एकदम से बोलती कि आरवी मुझे तुमसे बात करनी है, थोड़ी सी साइड में आओ। तो आरू एकदम से बोलती कि ईशा यार मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और करवा भी रही हूँ यार, मैं अभी नहीं आ सकती, बाद में लंच आवर में बात करें। तो आरू बोल जो ईशा है वो बोलती कि मुझे अभी के अभी ही बात करनी है तुमसे, आ रही हो या नहीं। तो आरू एकदम से उसकी तरफ घूर के देखती है तो बोलती कि अरे ईशा प्लीज़ यार समझो, मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैं नहीं आ सकती अभी, थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी। ये बोल को एकदम से साइड चली जाती है। इधर ईशा को इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है, वो घूर के शनाया को देखते तो शनाया एकदम से बोलती कि भाई मैंने क्या किया, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने क्या कर लिया यार, जो बोला है आरू ने बोला है, वो अगर अभी बात नहीं करना चाहती तो मेरी क्या गलती इसमें, तुम ऐसे मुझे मत देखो ईशा प्लीज़, या तुम्हारी इस नज़रों से मुझे डर लगता है यार, तुम मुझे ऐसे मत देखो। तो समीर एकदम से इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसता है तो ईशा घूर के समीर को देखता है, वहीं पर समीर का हंसी जो है बंद हो जाता है। तो अवनीत बोलते कि ले और हंस और हंस। ईशा जो है गुस्से में तिल मिला के वहाँ से चली जाती है और जाके जो है क्लासरूम में बैठ जाती है। दूसरी ओर जो पेना है वो अपनी कुछ चीज़ें ख़त्म करके जो है क्लासरूम में आती है तो देखती है ईशा जो है एक बुक पकड़ी हुई गुस्से में बैठी हुई थी, वो जो है बुक की पेज जो है पलट रही थी तो समझ रही थी कि गुस्से में कर रही है। तो एकदम से उसके पास जाती है थी कि हेलो क्या हुआ तुझे। तो ईशा घूर के देखती है तो एकदम से प्रेरणा बोलती कि क्या हुआ, तो इतनी चिड़चिड़ी सी क्यों लग रही है, हुआ क्या। तभी शनाया भी आती है और एकदम से प्रेरणा की शोल्डर पे हाथ रखती है तो प्रेरणा थोड़ी सी घबरा जाती है और पीछे पलटती है तो देखती है शनाया। तो एकदम से बोलती कि क्या है यार डराओ मत। तो शनाया बोलती कि क्यों मुझसे डर लगती है क्या तुम्हें। तो बोलती कि तुमसे डर नहीं लगती पर एकदम से यूँ अचानक। तो बोलती कि सॉरी वो। तो बोलती कि कोई बात नहीं, सॉरी की ज़रूरत नहीं है। तो पेन एकदम से शनाया को तरफ देखती है और ईशा की तरफ जो है वो इशारा करके वो आँखों से ही पूछती है कि क्या हुआ। तो ईशा एकदम से बोलती कि पूछो मत यार, तुम्हारी दोस्त ना कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है, उसका आज गुस्से का पारा बहुत हाई है, बात करने जाओगे तो बरस जाएगी तुम पे। तभी एकदम से ईशा एकदम से उठती और शनाया की तरफ देखती और बोलती कि क्या है, क्या बरस जाऊँगी, मैंने कुछ कहा पेना तुझे मैंने कुछ कहा। तो पेना बोलती नहीं मुझे तो कुछ कहा नहीं। तो शनाया बोलती कि रिलैक्स यार ईशा, तुम इतनी घाई पर मत हो यार, इतनी गुस्से में मत हो यार, उसका भी तो सोचो, वो प्रैक्टिस कर रही है और 4 दिन बचा है, तो यार प्रैक्टिस कर रही थी तो बिजी थी ना, तो तुमसे अभी कैसे बात करती। तो प्रेरणा बोलती यार तुम लोग बात किस बारे में कर रहे हो, ज़रा मुझे ये क्लियर करो पहले, मैं भी तो समझूँ। तो शनाया बोलती कि अरे यार वो ईशा, हम जो है वो ढूंढते ढूंढते आरू को ग्राउंड के तरफ गए थे, उधर जाके देखते कि आरू जो है प्रैक्टिस ही कर रही थी, लेकिन प्रैक्टिस करते करते उसके वहाँ से एक लड़की है जो हमारी जूनियर बैच के है, अनाया नाम है शायद उसका, तो वो एकदम से गिर गई थी। तो आरू ने उठाया और उसके कपड़े भी कुछ यार जो डस्ट वगैरह लग गए थे तो आरू ने उसको क्लीन कर दी थी। तो ये चीज़ बुरी लग गई तुम्हारी फ्रेंड को। तभी एकदम से ईशा बोलती कि व्हाट डू यू मीन, हाँ क्या बोलना चाहते हो तुम्हें, तुम मुझे बोलना क्या चाह रही हो, देखो मैं बच्ची तो हूँ नहीं, ठीक है, अगर एक लड़की गिरती है तो उठाना बनता भी है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ है, लेकिन इतनी करीब जाके तो एकदम से पेना समझ तो जाती है। तो पेना बोलती कि रिलैक्स ईशा, तू ना सिचुएशन को समझने की कोशिश कर, ऐसे हाइपर मत हो जा यार छोटी छोटी चीज़ों में। तो ये बात सुन के ईशा और ज़्यादा चिढ़ हो जाती है तो एकदम से वो बोलती कि यार तुम दोनों से मुझे बात ही नहीं करनी। ईशा जो है अपनी बुक लेती है और सीधा जाती है लाइब्रेरी की तरफ, वो लाइब्रेरी में चली जाती है और अपना जो है पढ़ाई वो करने लगती है। गुस्से में थी तो बस वो चाहती थी अब किसी से बात ना करे, बस पढ़ाई पे ध्यान दे। इधर पेना एकदम से शनाया की तरफ देखते तो शनाया बोलती कि यार ये ना कभी कभी ऐसी बर्ताव करती है कि बच्ची है बिल्कुल। तो प्रेरणा बोलती है यार ऐसे मत बोलो, वो
वो है थोड़ी सी आरू को लेके, तो एकदम से शनाया बोलती कि हाँ जैसे तुम मेज मुझे लेके। तो प्रेरणा बोलती कि अच्छा तो अब तुम ये खुद पे ले रही हो, तो मतलब तो वो तब तो वो भी सही है। तो एकदम से जो शनाया बोलती कि लो बात हो गई तुम शुरू। यार तुम दोनों की मतलब क्या मेंटलिटी क्या सेम है क्या? तो भी एकदम से प्रेरणा बोलती कि तुम तो बात करो ही मत, हाँ जब तुम्हें तुम्हारी करीब पर आता है तुम तो उचक उचक के चले जाते हो, बात करते हो, हाथ पकड़ते हो। तो एकदम से शनाया बोलती कि भाई मुझे माफ़ करो, देखो उस वो चैप्टर हो चुका है ख़त्म, वो फिर से दोबारा शुरू मत करो। ये लोग कान पकड़ गए, अब तुम बोलो तो मैं उठक बैठक भी कर लेती हूँ, पर इस चीज़ को दोबारा शुरू मत करो प्लीज़। तो पेना होती कि तो मैंने क्या शुरू की थी, तुमने ही तो बोला था। होती यार मैं बेवकूफ़ हूँ ना, मैं गधा हूँ गधी हूँ, इसलिए तो वो दोबारा शुरू किया। तो एकदम से पेना हंसते और बोलते कि तुम भी ना। तो होती कि तो और क्या यार, एक तो ये तुम्हारी दोस्त, इसको संभालना इतनी मुश्किल है, पता नहीं आरू कैसे संभालती है, तुम इसकी जैसे मत बनो प्लीज़। तो एकदम से पेना बोलती कि मैं इसकी जैसी नहीं हूँ, पर तुम खुद का थोड़ा संभालो, मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। तो शनाया बोलती कि ज़रूर ज़रूर, मैं ऐसी कोई काम नहीं करूंगी जो तुम्हें मुझ पे गुस्सा आए। तो बोलती कि हाँ तो ठीक है। तो वो एकदम से प्रेरणा बोलती कि तुम्हारा साइड पे सब कुछ हो गया क्या, प्रैक्टिस वगैरह? तो ये दोनों जो है आपस में बैठ के बात कर रहे थे। उधर जो है आरू अपने जो है प्रैक्टिस में लगे हुए थे, ऐसे ही लंच आवर हो जाते। लंच आवर में जो पेना और शनाया अवनीत समीर ये चार तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना ही ईशा जाती है और ना ही आरू। तो एकदम से समीर शनाया की तरफ बोलते कि क्या हमारी हीरो हीरोइन कहाँ है? तभी शनाया बोलती कि हीरो और हीरोइन मतलब? तो बोलती अरे हीर रांझा। तो बोलती अरे वो एक तो प्रैक्टिस में है और एक पता नहीं गुस्से में कहाँ जाके बैठ गई। तो बोलती कि यार ऐसे थोड़ी ना हम उनके बिना खा सकते यार, फ़ोन तो कर ले कहाँ है। तो एकदम से जो शनाया बोलती कि हाँ, तो एकदम से वो फ़ोन निकालती है और आरू को कॉल करती है। आरू प्रैक्टिस में इतनी मगन लगा के वो प्रैक्टिस करती है ना, कि वो फ़ोन जो साइलेंट कर दी थी, उसका फ़ोन बज रहा है, वो उसका ध्यान ही नहीं थी, वो अपनी प्रैक्टिस पे जो है फुल कंसंट्रेट कर रही थी। उधर दूसरी ओर जो है ईशा अपनी फ़ोन स्विच ऑफ कर दी थी और बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी। इधर शनाया एकदम से बोलती कि यार आरू तो फ़ोन उठा ही नहीं रही। तो एकदम से शनाया जो पेना है वो बोलती कि यार एक बार ईशा को कॉल करो। तो ईशा को कॉल करती, लेकिन ईशा का फ़ोन स्विच ऑफ है। तो एकदम से शनाया बोलती कि यार तुम्हारा इस दोस्त का ना दिमाग ख़राब है, कुछ होता नहीं कि इस फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, ये थोड़ी ना सोल्यूशन होती है। तो बोल पेना बोलती कि यार हो सकता है बैटरी डाउन हो गई हो। तो बोलती लगता तो नहीं है, जितनी गुस्से में वो गई है। तो एकदम से अवनीत बोलते कि यार अब करूँ तो क्या करें हम, ये बता। तो एकदम से शनाया बोलती कि यार अपना अपना खा लो और उन लोगों का पैक करा लेते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते ना, अगर उनके चक्कर में बैठे रहे ना तो भूखे मरने होंगे। तो बोलती कि ठीक है यार। तो ये लोग जो है अपना अपना खाते हैं, खाने के बाद जो ईशा और आरू के लिए खाना पैक भी करा लेते हैं। तो जब लंच आवर ख़त्म होता है तो ये लोग क्लास में आते, देखते कि वो दोनों अभी तक नहीं आए। तो एकदम से शनाया बोलती कि यार दोनों का क्या पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये आरू गायब है उधर ईशा गायब है। तभी एकदम से प्रेरणा बोलती कि मैं ईशा को देख के आती हूँ, तुम ईशा का खाना मुझे दो। तो वो जो है खाना ईशा का वो दे देती है प्रेरणा को, और शनाया जो है आरू का खाना लेके वो ग्राउंड की तरफ जाते हैं। दोनों अलग अलग जगह पे जाते हैं। जो प्रेरणा है वो बहुत सारे जगह ढूंढती है जो ईशा को, लेकिन कहीं भी नहीं मिलती। तो किसी से पता चलती है कि ईशा जो है बहुत पहले लाइब्रेरी की तरफ गई थी। तो लाइब्रेरी में जाती है, तो लाइब्रेरी पे एक कोने में जो है वो ध्यान से ढूंढने के बाद देखती है कि एक कोने में ईशा बैठ के पढ़ाई कर रही है। तो एक लंबी सांस लेती है और बोलती कि चलो मिल तो गई आखिर ये लड़की पागल। तो ये बोल के उस साइड पे जाती है और एकदम से उसके पास जाती है और बोलती कि बस थोड़ा गुस्सा थोड़ा शांत करके ये खाना पहले खा ले और मुझे बख्श दे। तभी घूर के ईशा देखती है और देखती है कि उसने खाना लाई है। तो बोलती कि मैंने तुझे कहा था मेरे लिए खाना लाए। तो एकदम से प्रेरणा बोलती कि यार क्या है, इतनी गुस्सा तू कहाँ रखती है यार? तो जो है ईशा बोलती कि यार दिमाग मत खराब कर, मैं मुझे पढ़ाई करने दे बस,
तू जा यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब हो रही है। तो प्रेरणा बोलती कि अच्छा अब मैं तुझे डिस्टर्ब कर रही हूँ? तो बोलती कि हाँ ना यार, पढ़ाई करने दे मुझे, नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो ईशा जो है, प्रेरणा देखती कि ईशा की मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो तो बात भी ठीक से नहीं कर रही थी। तो प्रेरणा जो है वो खाना साइड पर रखती और बोलती कि ठीक है, जब थोड़ी सी गुस्सा शांत हो जाए तो ये खाना खा लेना तू, मैं चली, मुझे नहीं डिस्टर्ब करनी तुझे। तो जब जा रही थी तभी एकदम से ईशा उसके हाथ पकड़ती है और बोलती कि आई एम सॉरी यार रूड बिहेव करने के लिए। तो प्रेरणा बोलती कि कोई ना यार, तुझे इतना तो समझती हूँ मैं, तू अपनी पढ़ाई कर, कोई बात नहीं। तो वो वहाँ पे चली जाती है। दूसरी ओर जो शनाया है वो आरू को ढूंढते ढूंढते ग्राउंड की तरफ जब जाती है तो आरू को देखती कि वो प्रैक्टिस बहुत जम के प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। तो एकदम से शनाया जाती है और बोलती कि ओह हेलो मॉडल। तो एकदम से जो आरू है उसकी तरफ दिखते हुए बोलती कि मॉडल, तुझे यहाँ मॉडल कहाँ दिख गई? तो बोलती कि तू है ना हमारी सुपर हीरो रांझे और पता नहीं क्या क्या टैग नेम है तेरा। तो बोलती कि यार छोड़ ना, तू क्या मजाक मस्ती में रहती है यार, क्या है, कुछ काम है क्या? तो बोलती कि काम है, ज़रा अपना फ़ोन निकाल बेटा। तो एकदम से आरू बोलती कि क्यों? तो शनाया बोलती कि निकाल तो सही। तो आरू अपनी पॉकेट से वो फ़ोन निकालती है तो देखती है करीब 26 मिस कॉल आ चुके हैं। तो आरू बोलती कि वो यार मेरा फ़ोन साइलेंट था यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बोलती कि हाँ यार, कभी कभार ना अपना फ़ोन का सही इस्तेमाल कर लेना चाहिए यार, साइलेंट मोड में ना रख। अच्छा है कि मैं हूँ, अगर तेरी बंदी होती ना तो तेरे तो अंत। तो एकदम से वो चुप हो जाती है। तो एकदम से आरू बोलती कि क्या यार, तू भी क्यों आई है ये बता ना। तो बोलती कि यार ये, तो एकदम से वो खाना देती है जो बर्गर होती है और एक कोल्ड कॉफ़ी। तो बोलती कि ये अपना खाना ठूस और मुझे बख्श दे, मैं अपने काम के लिए जा सकूँ बिना परेशानी के। तो बोलती कि अच्छा मैं तुझे परेशान करती हूँ? तो बोलती कि हाँ ना यार, कब से इंतज़ार कर रही थी, ना तू आई और ना तेरी बंदी। तो एकदम से आरू उसकी तरफ देखते बोलती कि क्या मतलब? तो बोलती कि ईशा भी तो नहीं आई है। तो बोलती कि क्यों? तो बोलती कि मुझे क्या पता, क्यों मुझे क्यों पूछ रही यार? तो बोलती कि अब उसे क्या हुआ? तो बोलती कि यार तू फिर से मुझे पूछ रही है, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, तेरी बंदी है तू जाने, हमने तो इंतज़ार की थी तुम दोनों का जो कैफेटेरिया में, तुम दोनों नहीं आए तो हम लोग अपना अपना खा के तुम दोनों का पार्सल कर लिया। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो आरू जो है बैठ के शनाया के साथ थोड़ी बहुत बातें करती है और वो खाना भी खा लेती है। वो बातों बातों में और इतनी बिजी शेड्यूल के चक्कर में वो ईशा के बारे में सोचना भूल ही जाती है कुछ देर के लिए कि ईशा ने खाना खाया कि नहीं खाया, एक बार पूछ ले। लेकिन उसके ध्यान में वो नहीं था, उसको लगा कि हाँ ज़रूर खा लिया होगा, ऐसा कुछ शायद उसके दिमाग में था। वैसे ही वो दिन जो है पूरा दिन आरू अपने प्रैक्टिस करवाने में लगा देती है। दूसरी ओर जो ईशा है वो अपनी पढ़ाई पे इतनी ज़्यादा मगन थी कि वो और कुछ सोच नहीं रही थी और ना ही उसने खाना खाई थी। लेकिन उसके दिमाग में ये ज़रूर थी कि आरू ने उसको आज पूरा दिन अवॉइड किया, इग्नोर किया, उससे बात नहीं की, ऊपर से कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया ये भी नहीं पूछा। उसके दिमाग में ये थी, वो गुस्से में बहुत थी। जैसे ही जैसे ही कॉलेज ख़त्म होती है ये लोग सब एक एक करके निकलते हैं। आरू बहुत ज़्यादा थक गई थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉलेज से बाहर आते हैं। दूसरी ओर जो ईशा है वो इतने गुस्से में थी, वो किसी को बिना बताए जो कॉलेज ख़त्म होने के तुरंत बाद ही वो चली गई थी अपने घर के लिए। इधर जब सब लोग कॉलेज के बाहर मिलते हैं एक साथ तो एकदम से आरू प्रेरणा की तरफ देखते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तो शनाया बोलती कि क्या देख रही है? तो बोलती कि ईशा कहाँ है? तो शनाया एकदम से प्रेरणा की तरफ देखती है तो प्रेरणा भी इधर उधर देखते हैं। तो प्रेरणा बोलती कि मुझे नहीं पता। तो आरू एकदम से बोलती कि क्या मतलब तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी दोस्त है, कहाँ है वो? तो बोलती कि यार सच में मुझे नहीं पता। तो आरू बोलती कि यार तुम लोग दिमाग ख़राब है क्या, देखो जाके अब कॉलेज में ना रह गई हो। तो सब लोग फिर से कॉलेज के अंदर जाते हैं, एक एक जगह ढूंढते हैं। प्रेरणा सीधे जाते हैं जो है
लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में तो कोई नहीं था, लाइब्रेरी बंद था। तो जैसे उस साइड पे जाती है जहाँ ईशा बैठी थी, वहाँ पे जाती है तो देखती है खाना अब भी वैसे की वैसी ही रहती है। तो प्रेरणा जो बोलती कि ये लड़की पागल है क्या, तो खाना उठाती है और बाहर आती है। तो जैसे ही आती है तो आरू एकदम से दिखते बोलती कि क्या हुआ तुम्हें, तुम कैफेटेरिया गई हो यार, तुम्हें मैंने भेजा ईशा को ढूंढने के लिए। तो एकदम से प्रेरणा बोलती कि यार बात सुना करो पूरी, पहले ये ईशा की ही खाना है, मैंने खुद उसे दिया था लेकिन इसने खाई नहीं, और वो ना ही जो है वो लाइब्रेरी में है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो आरू थोड़ी सी परेशान हो जाती है और तुरंत अपनी फ़ोन निकालती है और बार बार जो है ईशा की नंबर के कॉल करती है, लेकिन ईशा की नंबर तो स्विच ऑफ थी। तो थोड़ी सी टेंस तो हो जाती है। तो एकदम से शनाया बोलती कि यार वो कहीं गुस्से में घर तो नहीं गई। तो आरू बोलती कि गुस्सा किस बात का। तो शनाया घूर के आरू को देखती है। तो एकदम से प्रेरणा बोलती कि क्या मतलब किस बात का। तो एकदम से आरू बोलती कि हाँ तो किस बात का गुस्सा, मैंने क्या किया। तो एकदम से शनाया बोलती कि अबे क्या बोल रही है तू, तूने इसको अवॉइड कर दिया यार, हम लोग तेरे से बात करने गई थी, भूल गई क्या। तो बोलती कि हाँ तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना। तो बोलती कि बेटा बात वो नहीं है, वो प्रैक्टिस के दौरान तूने जिस तरह से अनाया को उठाया कुछ ज़्यादा ही करीब चली गई थी, ये चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हुई, इस बारे में ही तो तुझसे बात करने की कोशिश की थी उसने, पर तूने क्या कहा, तूने कहा कि यार मुझे प्रैक्टिस करनी है, उसने बार बार बोला पर तूने जो है डिनाई कर दिया मिलने से। तो तब से तो वो गुस्से में थी। तभी प्रेरणा बोलती कि यार वो गुस्से में लंच भी नहीं किया, ये देखो खाना मैंने इसके लिए ही ली थी, जैसे रखा था मैंने ये वहीं पे वैसे ही रह गई है। तो आरू एकदम से सर पे हाथ मारते और बोलती कि हे भगवान इस लड़की को कोई समझाओ ज़रा, पागल है क्या। तो प्रेरणा बोलती कि यार क्या पागल है, तुम्हारी तो गलती है यार, तुम पूरे दिन इतनी बिजी हो अपनी गर्लफ्रेंड, तो थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती कि अपने गर्लफ्रेंड खाना खाया कि नहीं खाया एक बार पूछना नहीं बनती तुमसे। तो आरू चुप हो जाती है। इधर शनाया एकदम से प्रेरणा की हाथ पकड़ते बोलती कि बस हो गया ना, अब शांत हो जाओ तुम। तो प्रेरणा एकदम से बोलती कि क्या शांत हो जाओ यार, यार मुझे पता है वो थोड़ी सी बच्ची टाइप की है यार, जल्दी टाइप की है, पर उसने कोशिश की थी ना इससे बात करने की, इसने नहीं की, ठीक है नहीं की तब बिजी थी, पर जब लंच आवर हुई तो कम से कम एक बार तो उसके बारे में पूछती या ढूंढने आती, उससे बात करने की कोशिश करती, पूछती भी एक बार कि यार खाना खाया तुमने या नहीं, मैं मेरा भी तो मन नहीं था खाने का पर तुमने मुझे फोर्सफुली कैफेटेरिया लेके गई खाना खाने के लिए, ज़बरदस्ती खाना खिलाया, तो इसका क्या हुआ। तो आरू बोलती कि यार ठीक है यार गलती हो गई, एक काम करो तुम लोग सब अपने अपने घर जाओ, मुझे कुछ काम है मैं घर जाती हूँ। तो प्रेरणा एकदम से घूर के जो है आरू को देखते बोलती कि अच्छा कहाँ से जाऊँ कैसे जाऊँ घर, सुबह सुबह तुम तो गए थे लाने के लिए घर से, मैं थोड़ी ना स्कूटी लेके आई हूँ। तभी एकदम से जो शनाया वो बोलती कि कोई बात नहीं मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, मैं लेके चलती हूँ ना आपको। तो एकदम से शनाया ये बोल के आरू की तरफ देखते और बोलती कि तू, मैं इसको घर छोड़ के आती हूँ, तू ठीक से अपने घर जा। तो आरू भी बोलती कि हाँ ठीक है यार, दादी का वैसे भी कॉल आया है, कुछ बातें हैं शायद इमरजेंसी, मुझे जानी है और तू संभाल के जाना। तो बोलती कि हाँ। तो ये लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं, अवनीत और समीर भी चले जाते हैं, आरू जो है वो अपने घर जाती है। इधर शनाया जो है वो ईशा सॉरी जो प्रेरणा को ले कर उसकी घर छोड़ने के लिए आती है। जब आती है तो प्रेरणा से जब उतरती है और एकदम से बोलती कि तो ठीक है आप कल मिलते हैं, तभी एकदम से शनाया बोलती कि यार मैं सोच रही हूँ कि एक बार ईशा से मिल लूँ क्या, ठीक है कि नहीं। तो प्रेरणा बोलती कि हाँ वैसे भी मैं तो मिलने वाली थी कुछ देर बाद, घर जाके फ्रेश वगैरह होके उसके घर जाने वाली थी, अगर तुम बोलो तो अभी चलते हैं ना, अभी उससे उसके साथ बात करते हैं, देखते हैं वो ठीक है कि नहीं। तो बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो ये दोनों जो है ईशा के घर की तरफ जाती है, जो देखती है हॉल में ईशा की मॉम कुछ काम कर रही थी। तो ईशा की मॉम एकदम से जब ये दोनों को देखती है
तो एकदम से बोलते, अरे बेटा तुम दोनों, वो तो अभी अभी घर आई है, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। तो ये दोनों अंदर जाते हैं, जो शनाया है वो प्रणाम वगैरह जो पैर छूते हैं वो करते हैं। बोलते कि ईशा का आया आंटी, तो बोलती कि बेटा अभी अभी तो आई है घर पे, सीधे अपने कमरे में गई। तो बोलती कि अच्छा, वो कुछ एक बात थी भूल गई थी उसे बोलना, तो इधर से जा रही थी तो बोलने आ गई। तो बोलती कि हाँ तो ठीक है, जाओ उसके कमरे में। तो बोलती कि ठीक है। तो ये दोनों जो है वो जाते हैं ईशा के कमरे के बाहर। ईशा की कमरे जो है वो दरवाज़ा अंदर से लॉक थी, तो पहले तो नॉक करती है। एक दो बार नॉक करने के बाद एकदम से ईशा चिल्ला के बोलती कि मम्मी क्या है, बोल के तो आई हूँ कि मुझे मेरे सर पे दर्द है, अभी मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है और पढ़ाई भी करनी है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो ना, बोल के तो आई हूँ, अब क्या चाहिए आपको। तो एकदम से पेना बोलती कि अरे ज़रा देख तो ले यार, हम आए हैं, दरवाज़ा तो खोल। तो ईशा जैसे ही पेना की आवाज़ सुनती है तो दरवाज़ा खोलती है। तो दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि यहाँ पे तो शनाया भी आई है। तो बोलती कि अरे तुम दोनों यार क्या बात है मेरे घर पे। तो बोलती कि हाँ वो तेरे घर पे ही आना था। तो बोलती कि अच्छा आओ अंदर आओ। तो दोनों अंदर जाके बैठते हैं। शनाया घूर घूर के ईशा की तरफ देख रही थी। तो ईशा एकदम से बोलती कि शनाया क्या है, क्या देख रही हो मुझे। तो एकदम से बोलती कि फ़ोन कहाँ है तुम्हारी। तो वो बोलती कि फ़ोन है बैग में। तो बोलती कि अच्छा तो लो फ़ोन और स्विच ऑन करो। तो बोलती कि क्यों क्यों स्विच ऑन करूँ, कुछ काम है क्या। तो बोलती कि हाँ वो आरू कब से कॉल की थी तुम्हें। तो बोलती कि हाँ तो क्या, स्विच ऑफ है मेरा फ़ोन और स्विच ऑफ ही रहेगी। तभी एकदम से जो पेना है वो बोलती कि क्या है यार, गुस्सा थूक देना यार, वो कब से तुझे कॉल करने की कोशिश की थी पर तूने यार फ़ोन, तेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। तो बोलती अच्छा फ़ोन में कॉल की थी ना, वो तो आ ही सकती थी यहाँ पे, क्यों नहीं आई। तो बोलती कि अरे यार बात को समझने की कोशिश कर, उसकी दादी का कॉल आया था, कुछ शायद ज़रूरी थी तो चली गई। तो एकदम से ईशा बोलती है हाँ तो ठीक है ना, मैं कौन सा कुछ बोल रही हूँ, और अगर तुम दोनों यही बात मुझसे करनी आई हो तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो शनाया एकदम से पेना को इशारा करती है कि बात मत करो उससे इस बारे में। तो पेना चुप हो जाती है। तो शनाया एकदम से बोलती कि ठीक है यार नहीं करते, चलो ये तो बताओ कि तुम्हारी जो है प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची। तो एकदम से ईशा बोलती कि देखो मैं यार मैं कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सके मैं कोशिश करती हूँ, अब कुछ देर बाद वैसे भी पढ़ाई के लिए बैठूँगी। तो तुम आ गए, तुम लोग आ गए। तो बोलती कि हाँ। तभी जो है ईशा की मॉम एकदम से आते हैं, कुछ चाय चाय नाश्ता वगैरह लेके तीनों को देती है। तो ईशा एकदम से मना कर देती कि मुझे खानी ही नहीं है, आपको बोल के तो आई थी। एकदम से पेना बोलती कि यार क्यों नहीं खानी, खा लेना। तो एकदम से ईशा बोलती कि यार नहीं खानी, भूख नहीं है, क्यों समझ नहीं रही हो। तो एकदम से ईशा की मॉम पेना को बोलती कि कोई बात नहीं बेटा, नहीं खानी तो नहीं खानी, आप क्या कर सकते। क्योंकि ईशा को मॉम को पता नहीं होती ना कि वो जो है वो लंच में भी कुछ नहीं खाई। इधर थोड़ी देर बात करने के बाद एकदम से शनाया और पेना जो है उठती है, वो लोग चले जाते हैं ईशा से बाय बोल के। और जब शनाया जब घर से निकलती है तो एक बार पेना की तरफ देखते हुए बोलती कि यार इसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो पेना बोलती कि हाँ यार अगर ये नाराज़ हो जाए ना तो मनाना बहुत टफ़ है यार। तो शनाया बोलती कि हाँ पता नहीं आरू क्या करेगी, ठीक है मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। तो बोलती कि हाँ ठीक है। तो जो है वहाँ से निकल जाती है, निकल के वो अपने घर जाती है। पहले जाके आरू को फ़ोन करती है तो आरू फ़ोन उठाती नहीं। करीब 3-4 कॉल करने के बाद आरू एकदम से फ़ोन बैक करती है उसको। तो शनाया एकदम से कॉल रिसीव करती है और बोलती कि यार कहाँ रह गई, तू कब से कॉल कर रही हूँ। तो आरू बोलती कि यार बिजी थी, वो दादी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उनको अच्छी फील नहीं हो रही थी तो यार उनके साथ बैठी थी, फ़ोन अलग जगह पे थे। तो बोलती कि वो तो ठीक है, तू ईशा को कॉल की थी क्या। तो बोलती कि यार कब से तो कोशिश कर रही हूँ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो बोलती कि हाँ वो फ़ोन स्विच ऑफ करके रखी है। तो बोलती कि क्यों, पर बोलती कि यार तुझसे नाराज़ है वो। तो बोलती कि यार कैसे समझाऊँ उसको। तो बोलती कि देख यार तुझसे तो थोड़ी ना थोड़ी गलती हो ही गई है, अब क्या कर सकते। तो आरू बोलती कि यार पर अब बात कैसे करूँ उससे। तो बोलती कि मुझे कैसे पता यार बात कैसे करेगी। तो बोलती कि तो क्या करूँ मैं। तो बोलती कि पता नहीं यार,
वैसे मैं गई थी उसके घर, तो बोली कि अच्छा ठीक है, वो तो बोली कि ठीक है, ना तो खाना खा रही है ना कुछ, वो ना ही लंच की थी। और हम लोग जब गए थे तो आंटी ने चाय नाश्ता वगैरह दी थी, वो भी नहीं खाई, बोला उसको भूख नहीं है। तो हम क्या कर सकते, तो बोलती कि यार ये लड़की भी ना, तो बोलती कि देख अब क्या कर सकते। तो बोलती कि यार मैं तो घर से निकल भी नहीं सकती क्योंकि दादी की तबीयत ख़राब है, मैं उनके साथ हूँ। तो एकदम से शनाया, बोलती कि कोई बात नहीं, तू कल बात कर लेना। तो आरू बोलती कि यार कल पता नहीं उसका गुस्सा और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो बोलती कि कोई ना, तू मना ले उसको, मोहब्बत है भाई तेरी, कब तक नाराज़ रहेगी। तो बोलती कि हाँ वही सोच रहे। तो बोलती कि हाँ अब ज़्यादा परेशान मत हो और दादी का ध्यान रख। थोड़ी बहुत बातें करके वो कॉल कट कर देती। इधर ईशा जो है वो गुस्से, वो उसका गुस्सा तो पहले से ही था, वो मन में सोचती है कि इतने घंटे में उसे एक बार भी मेरी याद नहीं आई। चलो बिजी थी मैं, कौन सा उसे कुछ बोलने वाली थी, मैं बस उसको बोलने वाली थी कि कितने करीब लोगों के पास ना जाए, बस थोड़ी देर बातें करनी चाहती थी उससे, वो बात हुई नहीं। लेकिन तब से लेकर कॉलेज ख़त्म होने तक एक बार भी मेरे पास नहीं आई वो। यही उसका प्यार है, जब उसे ही मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्या क्यों बार बार उसके पीछे भागू। अब मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाऊंगी, करे जो करना है उसको। ये बोल के वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती है। इधर आरू बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो बार बार ईशा की नंबर पे कॉल करती है, लेकिन क्या फ़ायदा, फ़ोन तो स्विच ऑफ ही बताती है हर बार। बहुत बार कोशिशों के बाद जो है वो हार मान जाती है और अब जो है वो कॉल करना बंद कर देती है, और उसकी दादी का उस वो ख्याल रखती है। जैसे तैसे वो दिन तो ख़त्म हो जाती है। अगले दिन जो है आरू जो है वो जाती है ईशा के घर के बाहर उसे पिक करने के लिए, लेकिन जब पहुंची तो एकदम से पेना बाहर होती है। तो आरू जब देखती है तो बोलती कि तुम आ गई, वो कहाँ है। तो बोलती कि पता नहीं घर में ही होगी। तो पेना जाती है ईशा के घर उसे बुलाने के लिए, तो ईशा की मॉम बोलती कि वो तो पहले ही चली गई। तो पेना थोड़ी सी शॉक होती है कि इतनी जल्दी। तो वो बाहर आती है और एकदम से जो आरू को बोलती कि वो चली गई कॉलेज। तो आरू बोलती कि यार ये लड़की भी ना। तो पेना बोलती कि कोई बात नहीं, चलो कॉलेज चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अलविदा, टाटा, टेक केयर ऑल, लव यू, बाय बाय।